हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिप्पण में आप लोग का स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं हम लोग एचयूएल शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए भी ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। यहाँ पे अगर बात करें तो एचयूएल को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एचयूएल की शेयर राइट नाउ कितने पे ट्रेड करिए, 2625। पुरानी वीडियो में मैं देखिए लगातार आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहता हूँ, यहाँ पे पुरानी वीडियो में मैंने एचयूएल की वीडियो बनाई होगी यहाँ कहीं पे, तो अगर आप लोगों को दिखता है तो मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अगर एचयूएल की वीडियो आपको दिखे तो मैं आप लोग को वहाँ पे टारगेट प्रोवाइड किया था एचयूएल के साइड से। यहाँ पे देख सकते हैं, या तो यहाँ पे देख सकते हैं एचयूएल के साइड से टारगेट प्रोवाइड किया था आप लोग के लिए कि ये बहुत ही जल्दी ऊपर जाने वाली है। और अब देख सकते हैं 1 मंथ में कैसा फ्लो देखने को मिला है, यहाँ पे 3.50, और यहाँ से देखें यहाँ पे तो यहाँ से कितनी तेजी बनते हुए दिखी है, 6.83% ऑलमोस्ट ऊपर जाते हुए दिखिए, बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिली है। और यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग अभी के टाइम में रेसिस्टेंस क्रिएट होता है, जहाँ पे ब्रेकआउट देने का भी चांसेस बनता है, और यहाँ पे चांसेस बनता है कि इधर से डाउनफॉल भी होते हुए दिख सकती है, आराम से चांसेस है इसकी टच करने की। कितनी तक, तो यहाँ पे आ जाता हूँ, 6 मंथ पे ध्यान दे देते हैं, यहाँ पे आराम से चांसेस है कि 2700 तक टच करते हुए दिखेगी। और अगर उस रेंज को ब्रेक करते हुए दिखती है 2730, अगर इस रेंज को ब्रेक करते हुए दिखती है, सॉरी 740 तक के रेंज को ब्रेक करते हुए दिखती है, तो पूरा का पूरा चांसेस रहेगा कि एक नया आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। उस टारगेट के बारे में बाद में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो का भी बनाऊंगा तो उसके बारे में बात करेंगे। पर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, अगर नहीं टच करते हुए दिखी सर तो क्या करेंगे, ये चीज सबकी बात आ रही थी। तो सबसे पहले मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि जितना भी 2700 पहुंचते ही आपको यहाँ पे जितना भी आप पैसा लगाए हुए उतना आपको सेल नहीं करना है। कहाँ कितना सेल करना है, ऑलमोस्ट 60-50% आप अपना अमाउंट सेल कर लीजिए। अगर आप 10,000 लगाए हुए तो आराम से आप अप्रॉक्स कितना, तो 5,000 रुपीज़ निकाल लीजिएगा, या 500 शेयर लगाए हुए हैं तो ऑलमोस्ट 250 शेयर बाहर निकाल लीजिएगा। 50-50 का गेम खेल सकते हैं या 60-40 का गेम खेल सकते हैं, पर हाँ 60-60 आपके हाथ में रहना चाहिए, 40 नहीं 60 आपके हाथ में रहना चाहिए, जैसा आपका मन करे, ये मैं बताने वाला कौन होता। पर यहाँ पे एक चीज़ क्या, उसके बाद अगर ये डाउनफॉल क्रिएट करती है तो डाउन ट्रेंड को क्रिएट करने में इसका ध्यान कहाँ पे रहेगा, यहाँ पे आपको डाउनफॉल जैसे ही क्रिएट करने की सिचुएशन पे आती है तो कितने पे इसका मेन सपोर्ट रह सकता है, तो 2600 एक बहुत ही स्ट्रांग एरिया बनती है जहाँ पे वहाँ पे सपोर्ट बनते हुए दिखेगा। पर उससे पहले ही 2620 पे भी एक स्ट्रांग सपोर्ट बनते हुए दिखेगा उसके बाद, तो आपको वो सिचुएशन पे चांसेस रह सकता है कि वहां पे आप अपना बाकी पैसा भी निकालिए, क्योंकि उसके बाद एक पूरा डाउन ट्रेंड को क्रिएट करते हुए दिख जाएगा। इतनी ही अपडेट थी इस पार्ट पे, और यहाँ पे अगर और भी अपडेट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, कि और कुछ जानना हो इसके बारे में तो ऑफकोर्स कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं होल्डिंग्स, तो होल्डिंग्स देख सकते हैं लगातार यहाँ पे 65.39% की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है। सपोर्ट के साइड बात कर लेते हैं, अभी के लिए सपोर्ट क्या बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सब फिर से एक स्ट्रांग सपोर्ट बनते हुए दिख चुकी है मार्केट में, तो यहाँ पे एक और स्ट्रांग सपोर्ट खिंच गई है, और वो स्ट्रांग सपोर्ट है 2496। यहीं पे अगर बात करें तो ये तो बहुत ही पुरानी की बात हो गई, अब यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म के लिए जो बोर्ड है बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना है 1 मंथ के ट्रेडिंग के लिए, तो 1 मंथ के ट्रेडिंग के अभी बताता हूँ आप लोग के लिए सपोर्ट क्या रह सकती है। यहाँ पे एक और सपोर्ट बनती है जो ये पॉइंट पे आती है, वो कितनी है सपोर्ट, 2580 के रेंज बनता है, 2580 से लेके 2590 तक के रेंज में बनता है, और यहाँ इनफैक्ट 2560 का बोल सकते हैं, तो यहाँ पे सॉरी 60 बोल रहा हूँ, 2600 के रेंज में बन सकता है। तो ये रेंज को आपको याद रखना है, ये रेंज ब्रेक होते हुए नहीं दिखनी चाहिए, अगर दिखती है तब दिक्कत की बात है, और इनफैक्ट ज़्यादा पैनिक मत होइएगा क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉफिट बनाते हुए दिखेगी, रेंज अच्छा क्रिएटेड है और जल्दी ही आपको 2700 टच करते हुए दिखेगी। उधर से अगर कुछ ब्रेकआउट का इन्फॉर्मेशन होता है तो ऑफकोर्स मैं बता दूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इनफैक्ट बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे गाइज़।